इस्लाम में आपको सीधा लिए चलती हूँ बडगाम, जहां पर एक नौजवान मोहम्मद मुकद्दस हुसैन ने यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई किया है और कल रात से ही सोशल मीडिया पे हर कोई मुबारक दे रहा है, क्योंकि एक प्राउड मोमेंट इन्होंने सभी को दिया है। और उन्हीं के घर से हमारे सीनियर साथी मोहम्मद अशरफ डार ज्वाइन कर चुके हैं। अशरफ बताइएगा, जाहिर तौर पर खुशी का माहौल है, हर कोई इनके घर आ रहा है, और जब से ये खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं तब से कोशिश कर रहा है मुकद्दस से कॉन्टेक्ट करने की। तो हमारे व्यूअर्स को भी मिलाइएगा और बताइएगा कि कितना बड़ा प्राउड मोमेंट है ये सभी के लिए। देखिए प्रियंका, जहाँ तक हम बड़गाम की बात करते हैं तो बड़गाम डिस्ट्रिक्ट करीबन 80 के दहाई में ये डिस्ट्रिक्ट बना है। और उसके बाद हम जब डेवलपमेंट देखते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट होती है तो जाहिर सी एजुकेशन की तो बात होनी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन जब होती है तो डेवलपमेंट ऑटोमेटिक होती है। तो ये डिस्ट्रिक्ट पहले एजुकेशन जब हम रैंक में देखे थे तो शायद 14वें नंबर पे आता था बड़गाम। तो जाहिर सी बात है, ये एक फैक्टर पड़ता था जिससे कि काफी ज्यादा बड़गाम पे एक इम्पैक्ट पड़ रहा था। मगर जिस तरह से आज के जो नौजवान है, इस चीज को दूर करने के लिए, इस जो हम ये किसी एजुकेशन सेक्टर जैसे बड़गाम पे काफी ज्यादा असर था, उसको दूर करने के लिए आजकल के जो नौजवान है वो काफी कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं ये दाग जो है बड़गाम का ये मिट जाए। और जिस तरह से कल यूपीएससी का जो रिजर्व लिस्ट था वो जब सामने आया, तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि बड़गाम टाउन से कुछ ही दूर, 1 किलोमीटर की दूर पे खानपुरा एक विलेज है, तो वहां से जो है यहाँ पर जो मोहम्मद मुकद्दस हुसैन ने जो है एग्जाम को क्वालिफाई किया है। तो सीधा हम उनसे बात करते हैं, आप खुद सीधा इनसे सवाल पूछ सकते हैं, वो इस वक्त मेरे साथ में है तो आप इनसे पूछ सकती हैं। जी मोहम्मद मुकद्दस जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो हमारी तरफ से। और हालांकि कल रात से ही आपका नंबर हर कोई कोशिश कर रहा था मिलाने की, शायद आपने स्विच ऑफ रखा था, तो क्या हो गया था, ज्यादा कॉल आ रही थी या फिर आप क्या शेयर नहीं करना चाहते थे या क्या? मेहनत तो आपने काफी की है और ये मेहनत सबको दिखनी चाहिए, इनफैक्ट जो नौजवान है आपसे इंस्पायर्ड होने चाहिए। तो क्या कहेंगे, कितनी डेडिकेशन, कितनी शिद्दत, कितनी मेहनत थी इसके पीछे? मेहनत तो बहुत थी। पिछले 7 साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। एंड दिस जी वाज माय इनफैक्ट लास्ट अटेम्प्ट। आई फेल्ड इन माय प्रीवियस अटेम्प्ट्स। इनफैक्ट आई गॉट अ इंटरव्यू कॉल अर्लियर एज वेल, बट अनफॉर्चुनेटली कुडंट मेक इट टू द फाइनल लिस्ट। तो मेहनत तो बहुत हुई है, बट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे नाम रिजर्व लिस्ट में आया है, तो थोड़ी बहुत खुशी तो होती है। बिल्कुल। तो आपका हमेशा से जहन में यही मोटिव था या फिर कुछ किसी मूवमेंट पर ये बना, क्या शेयर करना चाहेंगे? शुरू से बचपन से यही करना चाहते थे? नहीं, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो इतना ज्यादा कंसेप्शन नहीं था यूपीएससी का, और कुछ मतलब पर्सपेक्टिव्स बने हुए थे कि यूपीएससी बहुत डिफिकल्ट होता है, तो हम अपने एम्बिशन में इसको कभी नहीं रखते थे। चूंकि 2011 से आगे आगे बहुत सारे जो यहाँ पे रोल मॉडल्स हमारे सामने आ गए, उनसे हम भी इंस्पायर हुए, तो हम तो मैंने खासतौर पर जो है अपने कॉलेज डेज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट की, और 2017 में मैंने पहला इंटरव्यू दिया था, फिर नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली 2022 में हुआ है। तो कोई टिप्स शेयर करना चाहेंगे जो बच्चे इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं? टिप्स तो कुछ नहीं होती है, मैं तो समझता हूँ कि हार्ड वर्क जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। हमें बहुत शिद्दत से काम करना पड़ता है, और फेलियर्स तो आते रहते हैं, वो उनका भी सामना करना पड़ता है, लेकिन अपना जो एफर्ट्स है वो ऑन रखने हैं, तो इंशाल्लाह एंड में हमेशा जो है रिजल्ट जो है पॉजिटिव आ जाता है। सबसे ज्यादा क्रेडिट किसको देंगे इस पूरी जर्नी को में सक्सेस पाने के लिए? मैं तो मुझे लगता है अपने पेरेंट्स को दूंगा, अपने वालिद साहब को मोस्टली, बिकॉज उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है। मैंने बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं लाइफ में, तो उन्होंने हमेशा मुझे वो सपोर्ट दिया जो मुझे उस वक्त जरूरत था। तो बिल्कुल, जाते जाते कोई मैसेज तमाम लोगों के लिए, हर कोई आपको मुबारकबाद कर रहा है और आप एक इंस्पिरेशन बने हैं, तो कोई यंगस्टर्स के लिए जो इस चीज के लिए तैयारी करना चाहते हैं, जाते जाते तमाम लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि पॉसिबिलिटीज जो है उनको एक्सप्लोर करें। हमारे यहाँ कुछ लिमिटेड पॉसिबिलिटीज है जिनका हमें एक्सपोजर होता है, तो हमें लगता है कि दुनिया वहीं स्टार्ट होती है, वहीं खत्म होती है। दुनिया में बहुत कुछ करने को है, एक्सप्लोर करने की जरूरत है, और बड़ा सोचें और इंशाल्लाह मेहनत करें, बिल्कुल एवरीथिंग इज पॉसिबल।
जी बहुत बहुत शुक्रिया मुकद्दस ज्वाइन करने के लिए। बडगाम के बडगाम से हमारे साथ मुकद्दस ज्वाइन किए थे, जिन्होंने यूपीएससी एग्जाम क्रैक किया है और अब सभी को यही मैसेज दे रहे हैं कि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। फिलहाल इस लाइन में इतना ही, दिखते रहे जितने।